हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। तो ये मेरी पिछली वीडियो का पार्ट है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैं हर्सिल से गंगोत्री टेंपल गया था, मैंने उसके बारे में वीडियो शूट करी है, डू चेक आउट दैट वीडियो। और फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ गड़तांग गली की तरफ। वहाँ पे स्टेयर्स, वुडन स्टेयर्स बनी हुई है एग्जैक्टली, मतलब मेरे को पिक्चर्स में देखा है मैंने, आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है गूगल मैप में। एक बार मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, अगर बीच में कुछ सीनिक व्यू आया तो वह मैं आपके शूट करूँगा। ठंडा मौसम है, धूप निकली हुई है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए फिर। तो यह है गड़तांग गली की एंट्रेंस। यहाँ बाइक पार्क कर दी है, ये लंका ब्रिज है। अब यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या अंदर। फाइनली एंट्री कर ली है। 200 रुपये एंट्री फीस और आधार कार्ड का नंबर सबमिट और आधार कार्ड देखा था, मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। देखते हैं अंदर क्या सीन है। फिलहाल तो ऐसा है, ये पाथ है, बराबर में खाई है और नीचे भागीरथी नदी है। इसके बाद मेरा प्लान है 7 ताल भी जाने का, देखते हैं वो कितनी दूर है। और थोड़ा गूगल पे पिक्चर देखूंगा, मतलब अच्छी जगह है या नहीं, क्योंकि ये लोग बता रहे थे ताल जो है 3-4 ही बचे, सूख गए हैं सारे। अब की तो ढलान है तो मज़ा आ रहा है, मतलब जैसे अभी मैं यहाँ से आया हूँ तो ढलान थी, और ढलान में तो मज़ा आता है, वापस चढ़ते हुए पता चलेगा। वाह यार, अभी हर्षिल वैली ना थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, अभी इतना मतलब फेमस नहीं हुआ। जो भी गंगोत्री जाते हैं उनको पता होगा, वरना अभी इतना पॉपुलर नहीं है, तभी उसी रीज़न से भीड़ भी कम है। और पहाड़ों में आने का मेरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि पहाड़ों में आके पता चलता है मतलब इंसान को अपना असली वजूद। हम शहर में रहने वाले लोग अपने आप को सोचते हैं हम ये हैं, वो हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, जो भी है फलाना फलाना, पर पहाड़ों में आने के बाद या नेचर से जुड़ी हुई चीज़ देख के आप पहाड़ों में चले जाओ या फिर समुंदर वाली एरिया में चले जाओ, मतलब मेरा बहुत मन है स्कूबा डाइविंग करने का। बहुत लोग बताते हैं नीचे जाके पता चलता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। इसी तरह से पहाड़ों में आने के बाद पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं है, कुदरत कितनी खूबसूरत है और पहाड़ कितने बड़े हैं, हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। वहाँ आके अपना असली वजूद मालूम होता है, तभी मेरे को यहाँ पर आना पसंद है पहाड़ों में। और बाकी फील तो है यार, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ी खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई अब, मतलब यू कैन सी सांस भी चढ़ रही है मेरी, ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे तो सांस चढ़ती है। आई थिंक ये ट्रैक वहाँ तक जाता है, इफ़ यू कैन सी रेलिंग्स बनी हुई है ये सारा, पता ही हो गया। 15 मिनट हो गए चढ़ते चढ़ते। एक तो मेरे पास पानी की बोतल नहीं है, क्योंकि बैग में मैंने गंगा जल का जैरिकैन रखा हुआ था, तो उसी वजह से जगह नहीं थी। सांस चढ़ रही है जैसा आप देख सकते हो, मेरे को हो गए ऑलमोस्ट 20-25 मिनट चलते हुए, बीच में 2-3 मिनट के लिए मैं रुका भी था हार्ट बीट स्लो करने के लिए। मेरे को तो उसका वेट है वो जो वुडन लैडर्स और स्टेयर्स यू कैन से जो बनी हुई है, जो मैंने फोटोज़ देखी थी गूगल पे, वो देखते कब तक आएगी है। मतलब किसी को मतलब छोटा मोटा हाइक पसंद है तो यहाँ पे आ सकते हैं, सही है। एक बीच में एक फैमिली मिली है बस, 3-4 लोगों की, उसके बाद उसके अलावा तो और कोई नहीं है, पूरा रास्ता खाली है। ये देखो यहाँ से चढ़ के वहाँ चढ़ के मुझे लगता है फिर वो घूमेगा वहाँ से।
साइड में कुछ नहीं है, कोई बैरिगेट्स, कोई ग्रिल वगैरह कुछ नहीं लगी है, सीधा खाई। वहाँ से स्टार्ट किया था तो वो है लंका पुल, इसके यहाँ से एंट्री थी। और फिलहाल इतना दूर आ गए हैं अभी, ऐसा है। ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद हम पहुँच गए हैं, जो फोटो दिखाते हैं गूगल पे, वुडन स्टेट्स वाला रास्ता। लेट मी शो इट टू यू, दिस इज हाउ इट लुक्स। नीचे भागीरथी नदी, कलर देखो यार, मतलब पानी का जो सीनरी में होता है ना, तो पेंटिंग वगैरह करते थे हम बचपन में, पानी का कलर बनाते थे वो, मतलब उसको काट के पूरा ये रास्ता बनाया हुआ है। इस तरह से स्टेयर्स है, प्रॉपर स्टेयर्स नहीं, मतलब एक तरह से पट्टी लगा रखी लकड़ी की ग्रिपिंग के लिए। उतरते हुए तो बहुत मज़ा आ रहा है, ढलान है, चढ़ते हुए पता चलेगा दोबारा से। यहाँ है प्रॉपर स्टेयर्स, किसी हाँ ये स्टेयर्स हैं प्रॉपर। चले जा रहे हैं अभी, देखते हैं, इसका एंड पॉइंट है, मतलब एंड पॉइंट मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना और स्टडी करा था, इसका एंड पॉइंट तिब्बत से मिलता था, या तिब्बत जाने का रास्ता था जिसने बनाया था, पर ये आगे जाके रोक दिया है रास्ता, डोंट नो द रीज़न। आगे मतलब देखते हैं कहाँ पे जाके बंद होता है, फिलहाल तो ऐसा है। सही है, मतलब थोड़ा अलग टाइप की चीज़ है, रेयर है इस तरह का कुछ बना हुआ। ओके, तो ये है एंड पॉइंट, इसको यहाँ से बंद कर दिया है। अब ये पता नहीं आगे जाके कहाँ पे मिलता होगा रास्ता। तो वापस आ गए हैं, चढ़ते हैं वापस, बाहर जाके आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली, जल्दी जल्दी करता हूँ इसको क्रॉस। ठीक था, मतलब आई विल गिव 5 out of 10। जिसको मतलब छोटा मोटा ट्रैक या हाइक करना है वो आ सकता है यहाँ पर। ठीक लगा मेरे को, ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने स्पेंड कराया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, वीडियोज़ बनाई। ठीक है, पता है सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है, मैं वापस आ रहा हूँ ना, तो जितने भी लोग मिल रहे हैं कोई पूछ रहे हैं कितना और रह गया, वर्थ इट है ऊपर जाना, क्या है ऊपर, फ़ोटोज़ लिया तो फ़ोटो में दिखा दो, मतलब ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, मैं कभी नहीं पूछता। केदारनाथ जाते हुए शायद मैंने, हाँ केदारनाथ जाते हुए पूछा था, क्योंकि वो तो बहुत ही मुश्किल ट्रैक था वो भी, कि और कितना है, बाकी ये नॉर्मल ट्रैक्स में मैं नहीं पूछता यार। अब आए हो तो जाना तो है ही, पूछ पूछ कर नहीं क्या फ़ायदा होता है, वही है, पर सबको अपनी संतुष्टि मिल जाती है, अच्छा थोड़ा और बचा है। ऑलराइट गाइस, तो मैं गड़दांग गली से निकल चुका था, रास्ते में हूँ वापस हर्षिल की साइड जा रहा हूँ। एक और ट्रैक है यहाँ पे 7 ताल करके, देखता हूँ अगर वहाँ पे हिम्मत हुई जाने की तो जाऊँगा, क्योंकि कल मेरे को राइड बैक टू सहारनपुर भी करना है, ऑलमोस्ट 8-9 घंटे की बाइक चलानी है, तो वो चीज़ मेरे को ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ मैं चला जाता ट्रैक करके। अगर वहाँ मैं गया तो मैं एक वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज़ गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।